आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इजीली घर पे बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है, तो आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए जो स्पाइसेस हमें चाहिए, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ऑयल चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन, तो आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चिकन के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ में हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से कर लें। अब हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे, साथ साथ ये पकता रहेगा और साथ साथ इसको हम चम्मच से मैश करते रहेंगे ताकि इसके छोटे छोटे चिकन के पीसेस हो जाएं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, अब ये हमारा चिकन कुक होना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने दो पेड़े बना लिए छोटे साइज के, अब हम इसको बेलेंगे। एक रोटी मैंने नीचे वाली बना लिया, अब हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे चिकन का। अच्छे से इसको फिल करेंगे तो ही मज़ा आएगा खाने में। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे। और इसको ऐसे साइडों से दबा के बंद कर लेंगे और इसको अब हम फिर से बेल लेंगे। मैं आपको बेल के फिर दिखाती हूँ। फिर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम पराठा डाल देंगे। जी व्यूवर्स, हमारा चिकन पराठा रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।